हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कान्हा जी क्रिएशंस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल न्यू स्टाइल की देखिए बहुत ही प्यारी पोशाक बनाना सिखाऊंगी। इसमें देखिए हमने न्यू स्टाइल से लगाया है, तो फ्रेंड्स जब आपके कान्हा जी पहनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने पटका पहना हुआ है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर ड्रेस है फ्रेंड्स ये, और बनाने में भी बहुत ही ईजी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसके साथ की पगड़ी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने अपना थोड़ा सा बेस रेडी कर लिया फ्रेंड्स। तो क्योंकि ऐसा बेस मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया हुआ है, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर बताया भी नहीं, और फिर आप लोग पूरी वीडियोस देखते भी नहीं हो, तो इसलिए मैंने इतना आपको बताया। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार कैसे रफली आइडिया। तो इसकी जो लेंथ है फ्रेंड्स, इस पूरे कपड़े की जो लेंथ है वो मैंने 40 इंच ली थी, और ये इसकी जो ब्रेथ है वो मैंने 7 इंच ली थी। 7 इंच को जब हमने डबल किया तो ये 3.5 इंच रह गई। ये देखिए, ये देखिए पूरे 3.5 इंच आ रही है फ्रेंड्स। तो ऐसे हमने क्या करा, फिर इसके दोनों कॉर्नर्स को ये टिश्यू रिबन से जो है वो लॉक करके, और जो जैसे हम चुन्नटे डालते हैं वैसे डाली, और इसको ऊपर से आपको जितने आपके कान्हा जी की कमर हो उस पर सेट करना है। जैसे मुझे चाहिए थी 4.5 इंच, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी पूरी 4.5 इंच ही जो है मेरे कान्हा जी की कमर आ रही है। अगर थोड़ी बहुत बड़ी भी हो जाती है तो फ्रेंड्स कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है, हम बाद में जब यहाँ पर डोरी डालेंगे तो आप उससे कमर जो है वो इजीली एडजस्ट कर सकते हो, खींच के छोटी बड़ी हो जाएगी फ्रेंड्स कमर। तो इसलिए तो ये देखिए मेरा ये यहाँ पर 4.5 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो मेरे को इतना ही चाहिए था। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इन प्लेट्स को हम अच्छे से जो है प्रेस से सेट कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से सर्कल में बना लेना है, ये देखिए ऐसे, और इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखते हुए, और ये देखिए हम सारे चुन्नटों को अच्छे से सेट करेंगे इस तरीके से ही, और यहाँ पर हम अच्छे से प्रेस लगा लेंगे पहले फ्रेंड्स। प्रेस से जब ये अच्छे से सेट हो जाएंगी सारी सर्कल में ही, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर कॉर्नर पर हम सिलाई लगा देंगे, ताकि ये हमारी प्लेट्स एकदम ऐसे सेट हो जाएं बिल्कुल नीचे। तो ऐसे हम पहले इसको प्रेस लगा के फिर यहाँ पर चुन्नट सिलाई लगाने के बाद, ये देखिए मेरे पास ये किनारी, ये देखिए ये ट्रायंगल वाली लेस है। तो मैं फिर इसको क्या करूँगी, यहाँ कॉर्नर्स पर मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगी। तो चलिए इतना काम करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ पर अपनी ये देखिए ट्रायंगल वाली लेस लगा ली थी, और उसके साथ में मेरे पास एक गोल्डन और लेस थी फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने ये भी इसके साथ लगा दी है, और ये देखिए पहले फ्रेंड्स मैंने ये सर्कल यहाँ पर ये इस तरीके से जोड़ दिया था, फिर मैंने ये लगाई थी, लेकिन अब मैंने कट कर लिया क्योंकि हमें यहाँ पर वर्क करना है। तो इससे क्या है, जब हम इसको इस तरीके से वर्क करेंगे तो ईजी हो जाएगा, और फिर बाद में हम इसको यहाँ से स्टिच कर देंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए ये मैंने अपने दो कंट्रास्ट में, देखिए इसके अंदर हमारे जो है ये कलर है, तो मैंने यही कलर लिया है इसमें येलो कलर। तो मैंने क्या किया इसमें, ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मैंने ये दो रेडी किए हैं, तो एक हमें लगाना है, ये हमारा जाएगा बैक साइड फ्रेंड्स, तो एक लगाएंगे इधर एक इधर, तो ये ऐसा लगेगा जैसे कान्हा जी ने पटका लिया हुआ है फ्रेंड्स। तो हम पटके का इसको लुक देंगे और वो हम इसी में अटैच करेंगे। तो ये जो छोटा है ये हमें किस मेजरमेंट से लेना है फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमारा ये जो स्पेस बचा है, तो मुझे यहाँ पे छोटा, तो ये देखिए यहाँ तक का हमें लेना है जो हमारी हाफ ड्रेस भी दिखे। तो मैंने 1/4 इंच, तो 1/4 का मैंने यहाँ पर काटा 2.5 इंच, तो मैंने 2.5 इंच इस तरीके से लंबी पट्टी काटी थी, इसको मैंने फोल्ड कर दिया, तो ये हमारा 1/4 इंच यहाँ पर बचा था, ये देखिए, तो ये 1/4 इंच बचा। और इसकी जो ब्रेथ है ये देखिए मैंने ली थी 4 इंच, तो ये आपको अंदाजे से ऐसे ही ले लेनी है फ्रेंड्स, कि हमारी यहाँ पर छोटा सा पटके की जो हम देखिए ऐसे चुन्नटे इसके अंदर डाल लेंगे ऐसे, यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे, तो चुन्ना और यहाँ पर इसको प्रेस से अच्छे से हम सेट कर लेंगे, और इसको हम लगाएंगे, देखिए हमारा ये मिडल पॉइंट है, तो इसको हम लगाएंगे थोड़ा सा इधर, ये देखिए ऐसे हम इसको यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो ऐसे आपको लेना है ये, तो ये इस तरीके से आएगा यहाँ पर इधर, और ये वाला जो है फ्रेंड्स ये आपको क्या देखना है, इधर ये हमें मिडल से लगाना है यहाँ से। तो ये देखिए ये हमारा है 3.5, तो हमें ये थोड़ा सा लंबा लेना है फ्रेंड्स, तो मैंने लिया है 5 इंच। तो ये देखिए ड्रेस से हमें लंबा लेना है, हमारी 3.5 इंच है, तो ये 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, 5 इंच मैंने इसकी लेंथ ली, 5 से फ्रेंड्स मैंने इसको डबल करके यानी कि 10 इंच, ताकि हमने इसको डबल किया। डबल करने से क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हम कोई बुकरम या पेपर पेस्टिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम डबल कपड़ा लेंगे तो थोड़ा हार्ड पना और अच्छा खड़ा सा रहेगा हमारा फटका, सिंगल कपड़े से इतना खड़ा नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने ये डबल ले लिया है। और इसकी जो चौड़ाई भी मैंने ली है 4 इंच, जैसे मैंने उसकी ली थी, और इसके चारों तरफ ये तीन तरफ सॉरी ये देखिए मैंने वही अपनी ट्रैंग
ट्रायंगल वाली लेस लगा दी, और ये जो बड़े वाला पटका है इस पे मैंने ये वाली लेस भी लगा दी है। और सेम प्रोसीजर से हमें क्या करना है, इसमें भी इस तरीके से चुन्नटें डाल लेनी है, ये देखिए। और ये चुन्नटें हमें ज़्यादा बड़ी नहीं डालनी है, ये देखिए। इस तरीके से हम इसको ऐसे सेट कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और इसको हमें क्या करना है, देखिए जो हमारी ड्रेस का बिल्कुल मिडल है उसके बिल्कुल इधर, ये देखिए मिडल में बिल्कुल ऐसे रखकर, और हम ये कॉर्नर पे इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। और ये वाला जो है इसको जो आप ऐसे इस तरीके से प्लेट्स डाल लेंगे, तो इसको मिडल से थोड़ा सा इधर रखेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो चलिए इन दोनों को हम पहले स्टिच कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर भी स्टिच कर दिया और इधर भी। पहले हमने प्लेट्स डाल के स्टिच किया था और फिर यहाँ पर रखकर मैंने इनको स्टिच कर दिया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर पटका बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने अपने चंदेरी इस कपड़े का ही कपड़े के 2 इंच चौड़ी पट्टी काटी, और ये हमारी कमर 5 इंच थी फ्रेंड्स, तो मैंने 6.5 इंच लंबी इसकी मैंने लेंथ ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और इसको बैक साइड करेंगे ड्रेस को, और इसको हम, ये देखिए यहाँ पर हमें नेफा लगाना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप ड्रेस को इस तरीके से पकड़ सकते हैं सीधा, इसीलिए हमने यहाँ से अभी इसको ओपन कर दिया है। तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर हम इसको ऐसे रखकर, और यहाँ पर रखकर हम यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ऐसे पकड़कर और स्टिच कर लेंगे। बहुत ही ईजीली लग जाएगा जब आप इसको सीधी करके लगाएंगे। और जब ये स्टिच हो जाएगा तो इसको हम इस तरीके से फ्रंट साइड इस तरीके से ले आएंगे ऐसे, ये देखिए इस तरीके से, और फिर यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। और इससे पहले हम इसके अंदर ये डोरी लगा लेंगे, इस तरीके से डोरी को हम बीच में रख लेंगे और फिर हम इसको इस तरीके से स्टिच करेंगे। और डोरी हमारी सिलनी नहीं चाहिए, तो ये एक तरह से हम नेफा लगाएंगे फ्रेंड्स। तो आप इस तरीके से सेम प्रोसीजर से हम लगाएंगे, तो चलिए लगाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगा दिया है यहाँ पर नेफा और इसमें डोरी डाल दी है फ्रेंड्स। और ये देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी ड्रेस। आप चाहें तो इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्टिच कर सकते हैं, अदरवाइज जब आप इसको कान्हा जी को इस पहनाएंगे तो ये अपने आप पीछे से ऐसे जुड़ जाएगी जब हम इसको यहाँ से बांधेंगे। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी लग गई ड्रेस। अब हम बनाएंगे इसकी चोली। तो चोली बनाने के लिए देखिए मैंने अपना यही फोन कलर का कपड़ा लिया है, और ये मैंने 2 पट्टियाँ कट करी है फ्रेंड्स सेम मेजरमेंट की। तो ये मैंने लिया है फ्रेंड्स यहाँ पर 6 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है, और 2.5 इंच मैंने इसकी ब्रेथ ली है। तो ये आपको कैसे लेनी है फ्रेंड्स, ये ब्रेथ आपको लेनी है जितने आपके कान्हा जी के शोल्डर्स हों उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। और ये जो लेंथ है, ये जो है आपको क्या करना है, अपने कान्हा जी के यहाँ नेक से लेके और कमर तक आपको मेजरमेंट करना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा। तो ये मैंने ली है यहाँ पर 6 इंच, तो 2 इंच मेरे कान्हा जी की आ रही थी, तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो 3 3 का डबल 6, तो इस तरीके से। तो ऐसे सेम मेजरमेंट की मैंने 2 पट्टियाँ जो है वो कट कर ली हैं। और हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके ये देखिए हमने लेंथ में फोल्ड किया, फिर एक बार और हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हम कट करेंगे नेक। तो नेक जो है वो हमें बिल्कुल छोटी सी ही कट करनी है, ज़्यादा बड़ी कट नहीं करनी है। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पर नेक कट कर ली है फ्रेंड्स। ये बंद साइड से आपको नेक कट करनी है, और अब यहाँ से हम देखिए जो ओपन साइड है यहाँ से हम, ये देखिए थोड़ी सी इस तरीके से शेप देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है वो हमारा आ जाएगी ये चोली, ये देखिए ऐसे आ गई है ये। और हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम पीछे से भी यहाँ से मैं थोड़ी सी शेप और दूंगी, मुझे नीचे से थोड़ी सी बड़ी लग रही है, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगी आपकी चोली। और हम एक साइड से इसको यानी कि 2 पीसेस लेंगे, और यहाँ से पीछे से मिडल में से हम इसको कट कर देंगे ऐसे। ये देखिए हमने कट कर दी, और अब हम क्या करेंगे इसको, ये देखिए सीधे पार्ट में जो है हम सीधा पार्ट रखेंगे इस तरीके से, और इसको अच्छे से सेट करके, और हम यहाँ से ये देखिए इधर से, और ये गोल इधर नेक से और इधर यहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे इसको। तो चलिए करते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये अपने नेक पर ये सिलाई लगा ली इधर, और फिर नेक पे सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने छोटा छोटे कट डाल दिए। सिलाई से बार बार हमें डालने हैं, क्योंकि अगर आप अंदर तक डाल देंगे सिलाई कट जाएगी तो वो ख़राब हो जाएगा। ऐसे कट डालने के बाद हम इसको करेंगे सीधा। तो सीधा करने के लिए आपको क्या करना है, एक पार्ट हम लेंगे ऐसे, और इसको हम इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे, इस पर ऐसे मिला लेंगे, और ये जो है ये इस तरीके से आ जाएगा हमारा, देखिए ऐसे। और फिर हम इसको अच्छे से सेट करते हुए फ्रेंड्स एक बार इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे, जिससे कि क्या है कि ये बिल्कुल अच्छे से जो है हमारा सेट हो जाएगा एकदम यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमारी नेक आ जाएगी इधर। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो ये चुनरी प्रिंट का जो कपड़ा था, ये मैंने 1.5 इंच चौड़ा मैंने काटा, उसको डबल करके मैंने फ्रिल बना ली है। तो इसको हमें क्या करना है, पहले हम इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे, और उसके बाद हम इसको यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से रखते हुए, और यहाँ से यहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे, और स्टिच करने के बाद हम इसको इस तरीके से पलट देंगे ऐसे। तो ऐसे पलट देंगे तो ये क्या है कि हमारे एक फ्रिल की तरह हमारे यहाँ पर आ जाएगी। और जब ये फ्रिल दोनों साइड फ्रेंड्स हमें ये लगानी है, और उसके बाद जब ये आ जाएगी तो इसके ऊपर हम अपना यही वाली लेस जो है, ये कॉर्नर वाली जो लेस है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए ऐसे इसके ऊपर सिलाई के ऊपर रखकर हम इस तरीके से इसको लगा देंगे दोनों साइड। तो चलिए लगाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर फ्रिल लगाकर उसके ऊपर ये लेस लगा दी है। और ये देखिए फिर ये जो फ्रंट पार्ट है हमारा आगे का, ये मैंने यहाँ से फोल्ड करके उसके अंदर ये मैंने डोरी डाल दी है। तो हमारी चोली जो है वो बनकर रेडी है। तो इसको हम इस तरीके से कान्हा जी को पहनाएंगे, और पीछे से इस तरीके से वी शेप में कर देंगे ऐसे, और ये डोरी से हम इसको यहाँ पर टक कर देंगे इस तरीके से। बहुत ही प्यारी लगेगी फ्रेंड्स जब आपके कान्हा जी पहनेंगे तो इसको। और ये देखिए, ये है इसके साथ की ड्रेस फ्रेंड्स, और ये इसके ऊपर चोली। तो बहुत ही प्यारी लगेगी, देखिए ऐसे लगेगा जैसे आपके कान्हा जी ने इसी के साथ जो है वो पटका लिया हुआ है, और पटका हमारा अटैच्ड है, और बहुत ही सुंदर जो है वो ड्रेस बनकर रेडी हुई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साथ की पग्गी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।